दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की और इसके तहत संहिताओं की। इस वीडियो में मैं आपको वेदों का अर्थ और स्वरूप के बारे में बताऊंगा। दो बिंदु हैं, दोनों में सवाल अलग अलग हैं और लगातार पूछे जाते रहे हैं। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर नेट सेलेक्ट या आरएसआईएस का एग्जाम हो, जहां ये सब्जेक्ट संस्कृत है, जहां जहां है, चाहे ऑप्शनल में है, वहां वैदिक साहित्य तो आता ही है। तो आपको इसको समझने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा क्लास रूम में। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अब हम देखेंगे वैदिक साहित्य। ठीक, वैदिक साहित्य के बहुत सारे सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप एकेडमिक हो, चाहे आप नेट या सिलेक्ट एग्जाम दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के दे रहे हो। संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो, वैदिक साहित्य वाला पार्ट तो आपको आएगा ही, यानी कि वेदों और संहिताओं के बारे में सारे सवाल आएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं वेद का अर्थ है ना, कि वेद क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले अपन वेद का अर्थ देखते हैं। तो ये देखो, एक चीज बताऊं आपको कि जब भी किसी का अर्थ देखते हैं अपन, तो उसमें उसकी उत्पत्ति के बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है ना, वेद कैसे बनाए सबको पता है, विद, ये धातु है ना, इसका अर्थ क्या है, ज्ञान। तो सीधी सी बात है, वेदों से मतलब ज्ञान ही है ना। तो वेद शब्द का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान। जहां ज्ञान निहित है वही वेद है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ रचनाओं को वेद कहा गया, ये हम सभी को भी पता है। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो कि ये जो वेद हैं, इनका स्रोत क्या है। कोई कहता है वेद अपौरुषेय हैं, कोई कहता है वेद किसी ने लिखे हैं, कोई कहता है वेद संकलित है। इस प्रकार अलग अलग स्थितियां या अलग अलग भ्रम हमारे सामने आते हैं। अरे वेद भारत के ही नहीं है, पूरे जगत में, चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियंस हो, कहीं भी चले जाओ किसी भी महाद्वीप में, वेदों को उतना ही सम्मान मिला जितना सब जगह मिला है। अच्छा, एक अलग कैटेगरी थी व्याकरणों की, है ना, व्याकरण, जो व्याकरण को मानते थे वो व्याकरण लोग कहता है। तो व्याकरण लोग क्या कहते हैं वेद शब्द के बारे में, वो वेद को कुछ और ही मानते हैं। व्याकरण लोग कहते हैं कि वेद का जो वेद शब्द है उसका निर्वचन भाव अर्थ में क्या होता है, इसको नहीं करके कारण अर्थ में लेते हैं वो लोग। यानी कि व्याकरण लोग वेद को किसमें लेते हैं, कारण अर्थ में। किसमें, कारण अर्थ में। भाई मैंने बताया कि व्याकरण लोग वेद का कारण अर्थ में अर्थ लगाते हैं, या इसका मतलब सीधा सीधा है कि हर मत अलग अलग संप्रदाय से युक्त होता है। वो क्या कहते हैं, व्याकरण जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि विद्यते ज्ञायते इति वेद, विद्यते, उनका कहना है विद्यते ज्ञायते अनेनेति, है ना, ज्ञायते अनेनेति क्या है, विद्यते ज्ञायते अनेनेति वेद है, यानी कि ये वेदों की परिभाषा अलग ही देते हैं। ये कह रहे हैं कि जिसके द्वारा कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जाए, बात घूम फिर के वहीं आती है कि जिसके द्वारा कोई भी ज्ञान प्राप्त किया जाए, विद्यते ज्ञायते, विद्या प्राप्त हो या ज्ञान प्राप्त हो किसी भी प्रकार का, उसको हम वेद कहते हैं। ठीक, ये व्याकरण लोगों ने माना है, यानी कि इसको कारण अर्थ में मानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो सायण 33 संहिता में भाष्य की भूमिका में भी कुछ लिखा है। वो कहते हैं कि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण के लिए कुछ अलौकिक उपाय बताए गए थे, है ना। तो जो अलौकिक उपाय बताए गए थे वो कहां बताए गए थे, वेदों में, है ना। इसलिए कर्म कांड की दृष्टि से वेदों का निर्माण किया गया। तो वेदों का निर्माण क्यों हुआ, वेद निर्माण क्यों हुआ, देखो ये सवाल है, वेद निर्माण क्यों हुआ, कर्म कांड के लिए, कर्म कांड के लिए। तो वेद का निर्माण किसके लिए हुआ, कर्म कांड के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिला है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात, वेदों को श्रुति कहते हैं, आपने को सबको पता होगा वेदों को क्या कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वेद कहीं लिखित में नहीं थे, ये गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे को सुनने और उच्चारण के द्वारा ही संग्रहित, संकलित और सुरक्षित किए हुए थे, इसलिए इनको श्रुति कहते हैं।
श्रुति का दूसरा मतलब होता है कान, सुनना, है ना, ये सब श्रुति अर्थ में ही आते हैं। तो वेदों को कहीं लिखा नहीं गया, गुरु शिष्य को बताता था पढ़ करके, उच्चारित करके, शिष्य उसको हृदयंगम करता था, फिर वो अपनी अगली पीढ़ी को बताता, इस प्रकार वेदों का संग्रहण संकलन किया गया, इसलिए वेदों का एक नाम श्रुति भी है। तो वेद निर्माण किस लिए किया गया, कर्मकांड के लिए। श्रुति किसको कहते हैं, वेदों को। क्यों कहा गया श्रुति, क्योंकि वो उच्चारण और श्रवण परंपरा से ही संग्रहित और संकलित है, इसलिए इनको श्रुति कहा गया। अब देखो आधुनिक दृष्टि से अपन देखें तो वेद एक इस प्रकार की शब्द राशि है जो भारत के प्राचीन ऋषियों ने सर्वप्रथम अपने सामने प्रकट की थी और बाद में उसको यज्ञ उपयोग के लिए संहिताबद्ध कर लिया गया। तो देखो वैदिक साहित्य और संहिता में लिखा है, तो वैदिक साहित्य वेदों से संबंधित है, संहिताओं में कब हुआ, जब वो लिपिबद्ध हुआ, क्यों, यज्ञ की दृष्टि से। बात वही आ गई, वेदों का निर्माण कर्मकांड के लिए हुआ है ना, और बाद में जाकर के ये लिपिबद्ध भी किए गए, तो वो जो लिपिबद्ध किए गए वो संहिताएं कहलाई। संहिताएं चार हैं, आप सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। ऋग संहिता, साम संहिता, ये देखो ऋग संहिता, यजुर् संहिता है ना, साम संहिता और अथर्व संहिता, ये चार प्रकार की संहिताएं हैं, चारों ही वेदों के नाम भी हैं। ये हुआ वेद का अर्थ। अब अपन और इसको आगे थोड़ा टॉपिक को बढ़ाते हैं और अपन देखेंगे वेद का स्वरूप, वेद का स्वरूप है क्या। वेद का अर्थ देखा ना अपन ने, अब अपन देखेंगे वेद का स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, वेद का स्वरूप क्या है। भाई वेदों में सीधी सी बात है कि मंत्र है और ब्राह्मण है। क्या है वेदों में, प्राचीन परंपरा में वेदों में क्या है कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों ही चीजें हैं। वेदों में देखो अपने को या तो मिलेगा मंत्र या मिलेंगे ब्राह्मण, है ना, दोनों, ये ध्यान रखो। तो वेदों का स्वरूप देख रहे हैं, अब ये मंत्र किसे कहते हैं, सबसे बड़ी बात आती है हमारे सामने, मंत्र किसे कहते हैं। मंत्र की परिभाषा पर देखें, जिस उच्चारण करके या जिसका उच्चारण करके यज्ञ याज्ञों का अनुष्ठान किया जाए, देवताओं की स्तुति की जाए, उसको मंत्र कहते हैं। जिनका उच्चारण करके यज्ञ याज्ञ किया जाए, देवताओं की स्तुति की जाए, उसको मंत्र कहते हैं। फिर सुनो, जिसका उच्चारण करके, सहसा होता है उच्चारण, जिसका उच्चारण करके देवी देवताओं की स्तुति की जाए, है ना, या यज्ञ याज्ञ किया जाए, उसको हम मंत्र कहते हैं। ये हुई मंत्र की परिभाषा, मंत्र किसे कहते हैं। अच्छा, अब वेदों का स्वरूप के तहत देखें तो उसमें मंत्र मिलते हैं। मंत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया। दूसरी चीज आ गई ब्राह्मण, अब ये ब्राह्मण भी समझना जरूरी है, ब्राह्मण किसको कहते हैं। भाई वेदों का कुछ भाग ऐसा है जो ब्राह्मणों के रूप में हमें मिलता है ना, उसमें क्या हुआ, यज्ञों के क्रियाकलाप और उनके प्रयोजनों की व्याख्या की गई। ब्राह्मणों ने क्या किया, यज्ञ के क्रियाकलाप, यानी कि यज्ञ कैसा होगा, है ना, और दूसरा प्रयोजन। देखो मंत्र तो किसको कहते हैं, जिनका उच्चारण करके यज्ञ याग किया जाए और देवताओं की स्तुति की जाए, उसको तो कहते हैं मंत्र। अब ये यज्ञ याग कैसे किया जाए और उसका प्रयोजन क्या है, ये बताया ब्राह्मणों में। तो ब्राह्मणों की विषय वस्तु क्या हुई, यज्ञ के क्रियाकलाप और उसका प्रयोजन, ये सीधा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, है ना। तो ब्राह्मण यज्ञ के क्रियाकलाप और प्रयोजन इसमें बताए गए हैं। ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण के तीन भाग, ब्राह्मण के तीन भाग बताए गए हैं, तीनों भाग आप ध्यान रखो, है ना, ब्राह्मणों के तीन भाग हैं। पहला है इसी नाम से ब्राह्मण, दूसरा आरण्यक, है ना, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है आरण्यक और तीसरा है उपनिषद। उपनिषद तो एक दो तीन, ब्राह्मण के तीन भाग कौन कौन से हैं, पहले बात तो ब्राह्मण कितने भाग है, तीन, कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इस प्रकार ब्राह्मणों के तीन भाग हमारे यहां मिल जाते हैं। अच्छा, अब बात आती है वैदिक वाङ्मय की, अब बात आती है, मैं यहां लिख देता हूं, वैदिक वाङ्मय की, है ना, वैदिक वाङ्मय को समझना है हमें, है ना। वैदिक वाङ्मय को अगर समझेंगे तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वैदिक वाङ्मय का वर्गीकरण क्या है। तो वैदिक वाङ्मय को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है ना,
वैदिक वाङ्मय को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। पहला तो है इसका मंत्र भाग, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? संहिता। ठीक, वैदिक संहिता, समझ में आया ना। वैदिक वाङ्मय को चार भागों में बांटा गया। पहला था संहिता, जिसमें कि वेदों का मंत्र भाग होता है। फिर वही दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। ब्राह्मणों के तीन भाग है, वैदिक वाङ्मय के चार भाग है, ये तीन प्लस एक मंत्र भाग, यानी संहिता भी उसका एक भाग है। तो एक, दो, तीन और ये चार, वैदिक वाङ्मय को समझ लो। वैदिक वाङ्मय चार है, मंत्र भाग जिसको कि संहिता कहा गया, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये तीन प्रकार के और हो गए, इस प्रकार चार हो गए। अब अरण्यक क्या है? यानी कि वन में गुरु के समीप बैठकर जो भी रचना की गई, कराई गई, वो सब जो है अरण्यकों में शामिल हो जाती है। वानप्रस्थ जो लोग जीवन करते थे अरण्यकों में, क्या है जो वानप्रस्थी थे, अरण्य क्या है जो वानप्रस्थी थे, वो जो भी संकलन करते थे या जो भी कुछ करते थे, उनके लिए अरण्यकों की रचना की गई है और वो अरण्य में ही की गई है। तो अरण्य ग्रंथ किसके लिए है? वानप्रस्थी जो लोग थे उनके लिए है। वानप्रस्थ जो है हमारे आश्रम व्यवस्था के तहत एक आश्रम आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला देखो कि उपनिषदों में वैदिक युग का दार्शनिक साहित्य निहित है। इसमें क्या है? वैदिक युग का दार्शनिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य, ठीक है। तो अरण्यकों में तो क्या है? वानप्रस्थों के संबंधी जानकारी दी गई है। और उपनिषदों में क्या है? उपनिषदों में दिया गया है वैदिक साहित्य के तहत दार्शनिक साहित्य, या वैदिक वाङ्मय का दार्शनिक रूप जो दिया गया है वो उपनिषदों में दिया गया है। अच्छा, इन चारों को हम क्या कहते हैं? वेद भी कहते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। मीमांसा के, मीमांसा दर्शन जो है वो कहता है कि ब्राह्मणी है। मीमांसा वाले लोग क्या कहते हैं? मीमांसा दर्शन को मानने वाले ब्राह्मणों को ही वेद मानते हैं, उनके अलावा वेद इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन स्वामी दयानंद क्या है? वो कहते हैं कि मंत्र जो भाग है वही वेद है, यानी कि इसको ही मानते हैं। स्वामी दयानंद तो जो मंत्र भाग संहिता है उसी को वेद मानते हैं, लेकिन मीमांसक जो है वो ब्राह्मणों को वेद मानते हैं। आरण्यकों में वानप्रस्थियों के बारे में जानकारी दी गई है, और उपनिषदों में जो है दार्शनिक साहित्य का विवेचन किया गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, वैदिक साहित्य के अंतर्गत ये चारों ही अंग आते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और संहिता है। तो वैदिक साहित्य का स्वरूप और वेद की अर्थ या परिभाषा वो आपको यहां क्लियर हो जानी चाहिए। इसको भी रख लो, वेद का स्वरूप इसमें मंत्र और ब्राह्मण पाए जाते हैं। मंत्र वो उच्चारण है जिसके द्वारा हम देवताओं को स्तुति करते हैं या फिर यज्ञ या क्रियाएं करते हैं। ब्राह्मणों में यज्ञ के क्रियाकलाप और पूजन को बताया गया है। ब्राह्मण तीन प्रकार के हैं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वैदिक वाङ्मय को देखें तो चार भाग में बांटेंगे। पहला मंत्र भाग जिनको संहिता कहा गया, दूसरा ब्राह्मण है ना, जिसको कि मीमांसक लोग कहते हैं कि यही केवल वेद है ना। स्वामी दयानंद कहते हैं कि केवल मंत्र भाग जो है वही वेद है। अरण्यकों में वानप्रस्थियों के बारे में जानकारी दी गई है, वन में ही रचना की गई थी। चौथा है उपनिषद, जिसमें कि वैदिक वाङ्मय का दार्शनिक साहित्य वर्णित किया गया है। इस प्रकार अलग अलग तरह की व्याख्याएं मिलती है। पाश्चात्य विद्वान भी वेद शब्द को केवल संहिता भाग को ही मानते हैं, इसको पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं और स्वामी दयानंद भी इसी को मानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें और ये बताते रहे कि आगे इस तरह के वीडियोस किस प्रकार बनाने हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको किसी इससे भी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।